अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी बना रहे हैं। आज की जो रेसिपी है वो ओरियो केक है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बाउल प्रिपेयर कर लेंगे जिसके अंदर हमने ये बनाना है। ये केक हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं और कोई ओवन या स्टोन ओवन कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे। सबसे पहले आप इसका बाउल प्रिपेयर कर लेंगे। ये एक मैंने ग्लास का बाउल लिया है, इसके अंदर अब मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। ये थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, इसको अच्छी तरह इस पर स्प्रेड कर दें और अब इसके ऊपर ये एक बटर पेपर मैंने इसी के साइज़ का कट किया था ये इसमें रख दें। ये सेटल हो गया है, अब हम अपनी रेसिपी देख लेते हैं। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें 6 ओरियो बिस्किट लिए हैं और इसके अंदर एक चीज़ जो मैं डिफरेंट कर रही हूँ, ये मैंने मिक्स लिए हैं। कुछ इसमें वाइट क्रीम वाले हैं और कुछ चॉकलेट वाले हैं, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी ना करें, डायरेक्ट अब मैं ये मिक्सी में डाल रही हूँ 6 बिस्किट। 6 बिस्किट थोड़े मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ अभी सिंगल पर्सन सर्विंग के लिए बना रही हूँ और इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये इसमें बिस्किट ग्राइंड हो गए हैं, अब हम इसके अंदर 2 अंडे ऐड करेंगे 1 बाय 1। योक और वाइट एग वाइट दोनों ही ऐड कर दें। फोकस तो करें। इसमें हमने अब सिर्फ 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। इसको मैंने चीनी को पहले पीसा नहीं है क्योंकि वो इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी और पहले से आपको पिसी हुई चीनी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अब हम बाउल में डाल रहे हैं, इसको अब हम टैप कर लेते हैं ताकि जो एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएं। बस अब ये माइक्रोवेव में जाने के लिए तैयार है। इसे हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे और इसको मैं रख के आपको फिर दिखाती हूँ। ये मैंने इसको रख दिया माइक्रोवेव में और अब इसे 2 मिनट पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं कि ये कैसा केक बनता है।